हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम 10 आज ऐसी मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो खाने से रिलेटेड है, यानी कि खाना इन सभी मूवीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुछ मूवी थ्रिलिंग है, कुछ एडवेंचर है और कुछ तो कॉमेडी भी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली मूवी जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है सेफ। ये मूवी आई थी 2017 में और इसे आप Amazon प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी जो 2014 में आई थी जिसका भी नाम सेफ था, उसका रीमेक है। और फिल्म की कहानी शुरू होती है सैफ अली खान के साथ, जिनका एक बहुत बड़े शेफ बनने का सपना होता है और इसीलिए वो अमेरिका जाके एक होटल में काम करते हैं। लेकिन एक दिन एक कस्टमर के साथ लड़ाई होने के कारण उन्हें उस होटल से निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ साथ वो एक फैमिली मैन होते हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है और उनकी पत्नी और बेटा इंडिया में रहते हैं। और फिर वो ठान लेते हैं कि वो एक खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे। मूवी काफी इमोशनल है और ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, तो अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। और इसका लेंथ लगभग 2 घंटे 10 मिनट का है। नंबर 9 पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है दावत इश्क। ये मूवी आई थी 2014 में और इसे आप Amazon प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। ये मूवी फुल्ली फूड बेस्ड तो नहीं है, लेकिन इसको आप एक रोमांटिक फूड बेस्ड मूवी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जो दहेज लेने के काफी खिलाफ है और उसकी शादी बार बार कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो दहेज नहीं देना चाहती। और इसलिए वो एक प्लान बनाती है कि वो एक लड़के को फंसाएगी और शादी के दूसरे दिन बाद और उस पे दहेज लेने के कारण केस कर देगी और उसके बाद अपने पापा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन क्या उसका प्लान कामयाब होता है या फिर बीच में कुछ अलग होता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। और इस मूवी का लेंथ लगभग 2 घंटे का है। मूवी नंबर 8 पे आती है उसका नाम है कुक अप ए स्टॉर्म। ये मूवी आई थी 2017 में और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक रोड साइड बावर्ची के साथ जो अपने खाने के लिए काफी फेमस है और दूर दूर से लोग उसके खाने खाने के लिए आते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसी के होटल के सामने एक 5-स्टार होटल खुल जाता है और इसीलिए वो 5-स्टार होटल के शेफ के साथ चैलेंज लगाता है कि कौन ज्यादा अच्छा खाना बना सकता है। मूवी काफी अच्छी है लेकिन ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और नेटफ्लिक्स की ये मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे। नंबर 7 पर जो मूवी आ रही है उसका नाम है अनकॉर्क। ये मूवी आई है 2020 में और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जिसकी फैमिली एक बारबेक्यू बिजनेस करती है और उसकी फैमिली ये चाहती है कि वो लड़का भी उनकी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे, लेकिन उसके अपने सपने होते हैं क्योंकि वो बारटेंडर बनना चाहता है। अब क्या वो अपने सपने को पूरा करता है या अपने पिता के रास्ते पे जाता है और बारटेंडर बनने के लिए उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये आपको इस मूवी में दिखाया गया है। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। और इस मूवी का लेंथ लगभग 1 घंटे 45 मिनट का है। नंबर 6 पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है दी प्लेटफॉर्म। ये मूवी आई है 2019 में और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी ये है कि एक जेल है जहाँ पे कुछ कैदियों को रखा जाता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म के द्वारा खाना पहुँचाया जाता है और वो प्लेटफॉर्म उनके पास सिर्फ 2 मिनट रुकता है, यानी कि वो 2 मिनट में जितना खा सकें खाते हैं। और कभी कभी उनकी लोकेशन चेंज कर दी जाती है जहाँ पे तो खाने की काफ़ी किल्लत होती है और यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। अब ये कैसा जेल है और वो लोग यहाँ क्यों फंसे हैं, ये चीज़ तो आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगी। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। और इस मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे का है। अगली मूवी जो नंबर 5 पे आएगी उसका नाम है हंगर। ये एक थाई थ्रिलर मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसकी कहानी शुरू करती है एक लड़की के साथ जो एक शेफ बनना चाहती है और वो एक बहुत बड़े शेफ के अंदर काम करती है। लेकिन स्टोरी बस इतनी नहीं है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है और क्या क्या कमाल की चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, वो तो आप मूवी को देख के ही पता कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, ये एक थ्रिलिंग मूवी है और इसके हर एक 10 मिनट पर आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो आपको इस मूवी से चिपका के रखेगा। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। और इस मूवी का लेंथ लगभग 2.5 घंटे का है।
मूवी नंबर 4 पे आती है दी मेन्यू। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जो हॉटस्टार पे आई है। और इस मूवी की कहानी शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा शेफ जो अपने खाने के लिए काफी फेमस है और उसका खाना खाने का मौका गिने चुने लोग को ही मिलता है, वो एक दिन ढेर सारे लोगों को दावत पे बुलाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद उन लोगों को क्या खाने को दिया जाता है और कैसे दिया जाता है ये देख के तो आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी जितनी सुनने में सिंपल लगती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ये मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे का है, लेकिन ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे जो मूवी आ रही है उसका नाम है स्टैनली द ढाबा। ये मूवी आई है 2011 में और इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो काफी गरीब घर से है और घर में उसे काफी अब्यूज किया जाता है और गरीब होने के कारण वो स्कूल में टिफिन नहीं ले जा पाता। और इसके लिए उसके जो टीचर है वो बाकी सभी बच्चों को बोलते हैं कि अपना फूड शेयर करे और स्टैनली को बोलते हैं कि जब तक वो टिफिन नहीं लाता तब तक वो स्कूल ना आया करे। मूवी काफी इमोशनल है और हॉटस्टार की ये मूवी का लेंथ लगभग 1.5 घंटे का है। नेक्स्ट मूवी जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है राटाटुई। ये एक एनिमेशन मूवी है जो 2007 में आई थी और इसे अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। कहानी एक चूहे की है जो एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता है, लेकिन जैसा आपको पता ही है कि वो एक चूहा है और लोग उससे काफी डरते हैं, तो इसलिए वो एक रास्ता निकालता है ताकि वो खाना बना के दूसरों को खिला सके। और उसी की कहानी इस मूवी में आपको दिखाई गई है। मूवी काफी इमोशनल और इंटरेस्टिंग है और हॉटस्टार की ये मूवी को आप हिंदी में देख सकते हैं जिसका लेंथ है 1 घंटे 50 मिनट। हमारी आखिरी मूवी जो नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है दी लंच बॉक्स। ये मूवी आई थी 2013 में और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है एक हाउसवाइफ के साथ जो अपने हस्बैंड के लिए एक लंच बॉक्स भेजती है, लेकिन वो लंच बॉक्स उसके हस्बैंड को छोड़ के एक दूसरे आदमी को मिल जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। और इस मूवी में एक लंच बॉक्स के द्वारा दो लोगों की रिलेशनशिप को दिखाई गई है। मूवी काफी यूनिक कॉन्सेप्ट पे है और इस मूवी को ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे इसे जरूर देखिएगा। और इस मूवी का लेंथ लगभग 1 घंटे 45 मिनट का है। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी मूवीज जो खाने के ऊपर बेस करती है। कोई मूवी में खाना एक मेन टॉपिक है और किसी मूवी में खाने को बेस करके एक अलग कहानी दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।